गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि सहोत्रा। बुरी नज़र से बचाने के लिए हम बहुत सारे टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए इस मौसम में हम एक और DIY बनाते हैं, नज़र बट्टू। मेरे पास ये केक के नीचे रखने वाला कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, चलिए इससे ही से बनाते हैं हम ईवल आई। सबसे पहले लूँगी मैं 2 टिश्यू पेपर और फेविकोल में ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब इस टिश्यू पेपर को मैं लगाऊँगी कार्डबोर्ड के ऊपर। पहले मैं 1 टिश्यू पेपर लगाऊँगी, फिर उसके बाद मैं दूसरा टिश्यू पेपर इसके ऊपर लगाऊँगी। टिश्यू पेपर को इस तरह से लगाने से कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और कलर करने से ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। मेरे पास ये क्रीम कलर के मोती पड़े हुए थे, इनको भी मैंने डिफरेंट कलर में रंग दिया है, जैसे ब्लैक, ब्लू, वाइट और ये किया है स्काई कलर में। जब कार्डबोर्ड पर लगा टिश्यू पेपर अच्छे से सूख जाएगा तब हम करेंगे इसमें अगला काम, रंग करने का। अब प्रकार और पेंसिल की मदद से हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल आपको कितना छोटा या बड़ा चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने 4 सर्कल इक्वल साइज में लिए हैं। पेंट करने के लिए मैंने फेविक्रिल एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने किया है अल्ट्रा मैरिन ब्लू कलर का, उसके बाद 3rd सर्कल को मैंने पेंट किया है लाइट ब्लू कलर में, ताकि ये बाहर के पहले अच्छे से सूख जाएं। तो ये मैंने कर दिया है लाइट ब्लू कलर, अब इसको थोड़ा सूखने दूंगी और फिर करूंगी मैं बाकी कलर। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है इसमें। अब मैं करूंगी ब्लैक कलर। ऐसा मैंने इसीलिए कहा था ताकि एजेस के कलर जो हैं वो मर्ज ना हो जाएं तो आपस अब मैं लास्ट में कर रही हूँ वाइट कलर। तो सबसे पहले मैं एजेस पर करूंगी और फिर बीच में। आज मैंने पेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फेविक्रिल एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने वाइट कलर भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। इस बारिश ने इतनी ठंड कर दी है और धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, और इस मई महीने में स्वेटर्स पहनने पर मजबूर हो गए हैं हम। जब तक कार्डबोर्ड सूखता है तब तक मैं प्लेट के ऊपर ईवल आई भी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इसके लिए ली है मैंने पुरानी सी प्लेट और इसमें मैं फिर से 4 सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले बाहर करूँगी मैं ब्लू कलर, तो मेरे पास पेंट पड़े हुए हैं तो मैं इसको यूज़ करूँगी। जिस तरीके से कार्डबोर्ड पर पेंट किया है वैसे ही मैं इस प्लेट के ऊपर इन पेंट्स का इस्तेमाल करूँगी, तरीका सेम ही है। और इस प्लेट को भी मैं सूखने के लिए रख दूंगी, आज मैंने इसे पेंट करने का रिस्क लिया है। ग्लास में भी ये 3 ऑलमोस्ट कलर हैं, एक ब्लैक कलर मिसिंग है, तो मैं इसमें पेंट कर लेती हूँ। तो जहाँ जहाँ ब्लैक कलर करना था वहाँ मैंने कर दिया है। अब मैं एक और कलर यूज़ कर रही हूँ, लाइट स्काई। स्टोन के ऊपर भी मैंने पेंट्स का इस्तेमाल किया है और इसे भी सूखने के लिए रख दिया है। फिर से बारिश शुरू हो गई। ओह माय गॉड। तो इस बारिश के मौसम ने हमें स्वेटर्स और शॉल निकालने पर मजबूर कर दिया है, बहुत ठंड है। बारिश में प्रोडक्ट सूख पाएंगे या नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। इन सभी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को मैंने सूखने के लिए रख दिया है, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, जैसे टेसल बनाने का। टेसल्स बनाने के लिए मैंने
रखी हुई ऊन्स का इस्तेमाल किया है। अब देखती हूँ इन ऊन में ये रंग मिल पाएंगे या नहीं। तो मुझे कुछ थोड़े थोड़े कलर मिल ही गए, जैसे ब्लैक, थोड़ा सा ब्लू कलर, लाइट ब्लू और वाइट कलर। टैसल बनाने के लिए मैं 9 इंच धागा लूँगी और इसे 20 बार लपेटूंगी। तो आप काट भी सकते हैं धागों को या फिर इस तरह से लपेट भी सकते हैं। अब इन धागों के बीच में एक धागा रख के इसमें मैं गांठ लगाऊंगी और फिर इस टैसल को मैं लपेटूंगी। आठ बार लपेटने के बाद फिर इस धागे को मैं गांठ लगाकर काट दूंगी। फिर सीजर की मदद से इन सभी धागों को मैं काटूंगी और फिर इसको इक्वल करूंगी। कट करने के बाद इसी तरीके से मैं और 6 टैसल्स तैयार करूंगी। एक ब्लैक, 2 वाइट, 2 लाइट ब्लू, 2 डार्क ब्लू। अब नीडल और थ्रेड की मदद से इस टैसल के बीच में मैं अच्छे से गांठ लगाऊंगी और इस धागे को पिरोऊंगी और जिन मोतियों को मैंने कलर किया था अब उन सभी को बारी बारी से पिरोऊंगी, कुछ इस तरीके से। ऐसा मैं दूसरे टैसल्स के साथ भी करूंगी। सबसे पहले मैंने डार्क ब्लू कलर का मोती लिया था, फिर उसके बाद वाइट, फिर लाइट ब्लू और लास्ट में मैंने ब्लैक कलर लिया है। आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे टेसल्स और बीड्स मैंने पिरो लिए हैं। अब इनको करती हूँ अरेंज। तो मैं ये कुछ इस तरीके से इन्हें अरेंज करूँगी और एक एक इंच का गैप देकर फिर मैं ये दूसरे टेसल्स लगाऊंगी। इन 2 को फिक्स कर लिया है। इस तरह से सभी को एडजस्ट करने के बाद अब मैं जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको काट दूंगी। इसको मजबूत करने के लिए यहाँ मैं फेविक्विक का इस्तेमाल करूँगी और इसको अच्छे से चिपका दूंगी। ये बनाई है चोटी, तो इसको मैं करूँगी ऊपर फिक्स टांगने के लिए। और इसे यहाँ फिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेविक्विक और साथ में सेलो टेप। अब इन DIYs की चमक को बरकरार रखने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी वार्निश का, जिसको मैं करूँगी प्लेट के ऊपर, स्टोन के ऊपर और वॉल हैंगिंग इवल आई के ऊपर। इस प्लेट को भी टांगने के लिए बना ली है मैंने ये चोटी, जिसमें मैंने 6 धागों का इस्तेमाल किया है और इसको भी लगाऊंगी मैं फेविक्विक के साथ। तो इस तरीके से मैंने इसे भी चिपका दिया। तो इसे टांग दिया है मैंने इस खिड़की के ऊपर बिल्कुल गेट के सामने, ताकि जो भी पहले आए और इस पे सीधे नजर जाए। तो इसे डिस्प्ले कर दिया है मैंने बाहर के टेबल पर, ताकि वो बुरी नजर लेकर अंदर ना आ पाए। और इस गिलास को रख दिया है मैंने इस फोटो फ्रेम के नीचे, ताकि किसी की नजर ना लगे। तो इसे टांग दिया है मैंने इस दीवार के ऊपर, ताकि आता जाता इसे जो भी देखे तो सबसे पहले बुरी नजर इसी पर ही पड़े। ये देखिए, इसे टांगते ही सूर्य भगवान ने भी दे दिए दर्शन। देखे कितना असर हुआ है इस नजर बट्टू का, और आसमान हो गया है बिल्कुल साफ। तो कैसा लगा आज का DIY, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।